आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फूले फूले भटूरे कैसे बनते हैं। अगर आप भी सारे टिप्स फॉलो करते हैं तो आपके भटूरे भी एकदम फूले फूले बनेंगे, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ। एक भी भटूरा ऐसा नहीं बनेगा जो फूला ना हो। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आए हैं किचनशाला में और किचनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भटूरे बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है और ये 1/3 कप सूजी ली है, 3-4 चम्मच सूजी है, 1/2 कप यहाँ मैंने दही ली है और 2-3 चम्मच हम तेल ले लेंगे। कोई भी एक बड़ा बर्तन ले लें और इसमें डाल देंगे मैदा और इसमें ये सूजी भी डाल देते हैं और इसके ऊपर ये दही डाल देते हैं। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप चाहे तो 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसमें 1/2 चम्मच से थोड़ी कम हम ये अजवाइन डालेंगे। जब भी कोई ऐसी तलने वाली चीज बनाए तो अजवाइन जरूर डाल लें, क्योंकि अजवाइन से डाइजेशन अच्छा होता है। और 1/2 चम्मच मैं यहाँ बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। बेकिंग पाउडर डालने से भटूरे हमारे अच्छे फूले हुए बनेंगे। और इसमें ये 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे। तेल थोड़ा मैंने बचा लिया है क्योंकि ज्यादा था। अब इन सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे। पानी अभी नहीं डालना, पहले दही के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, बाद में जितनी जरूरत होगी उतना हम पानी डालेंगे। और इसका एक सॉफ्ट डो हमने तैयार करना है, हार्ड डो नहीं लगाना है, एक सॉफ्ट डो हमने इसका तैयार करना है। जब ये डो हमारा इस तरह बंध जाए तो इसको हमने 5 मिनट अच्छे से मैश करना है। भटूरे हमारे कैसे बनेंगे ये डो तैयार करने पर ही डिपेंड होता है। जब हम सॉफ्ट डो तैयार कर रहे हैं तो वो हाथों पे चिपकता है, तो उसको हमने थोड़ा तेल लगा के चिकना कर लेना होता है। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि यहाँ आपने सूखा आटा लगा के इसको एडजस्ट नहीं करना, तेल लगा के ही चिकना करना है। अगर सूखे आटे से इसे आप एडजस्ट करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और फिर भटूरे हमारे फूले हुए नहीं बनेंगे। तो आप इसे चिकना करके और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। इसको ऊपर से भी थोड़ा तेल लगा के चिकना कर देंगे और इसको हम 2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। आपको बहुत जल्दी है तो 1/2 घंटा बाद भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप जितना लंबा टाइम इसे रखेंगे 2-3 घंटे, उतने आपके भटूरे ज्यादा अच्छे बनेंगे। डो को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए अच्छा फर्मेंट हो चुका है ये। इसको हम 2-3 मिनट और अच्छे से मैश करेंगे। मैश करने से ये और भी अच्छा चिकना हो जाएगा। ये डो हमारा फटाफटा लग रहा था और अब देखिए कैसे चिकना हो गया है, एकदम परफेक्ट डो हमारा तैयार है। आप चाहें तो इसके जैसे रोटी की लोई बनाते हैं वैसे भी गोले बना सकते हैं, या फिर इस तरह से निकाल लीजिए। ये देखिए बड़ी आसानी होती है इस तरह निकालने में और कोई क्रैक नहीं आता गोले में। इस तरह से ये मैंने 6 गोले बना के तैयार कर लिए हैं। इनको ऊपर से हम तेल लगा के रख लेंगे ताकि ये सूखे ना। अब चलिए भटूरे बेलना शुरू करते हैं। तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। भटूरे हम 2 तरह से बेलेंगे, एक तो तेल से चिकना करके और दूसरा सूखा आटा लगा के। मैं आपको दोनों तरह से दिखाऊंगी, पहले चिकना करके बेल लेते हैं। चकले पे भी और बेलन पे भी दोनों पर हम तेल लगा के चिकना कर लेंगे। और ये देखिए एक गोला लिया है और इसको हम बेलेंगे। आपने भटूरे को बिल्कुल नहीं हिलाना, जब आपने फैलाना है तो आपने चकले को घुमाना है। आपने बार बार चकले को घुमा के हर भटूरे को फैला लेना है। आप चाहे तो इसे ओवल शेप दे सकते हैं या फिर गोल शेप दे सकते हैं। ये देखिए मैंने गोल शेप का बनाया है। ये देखिए एक ये मैंने बेल लिया है। अगर आप तेल लगा के नहीं बेल पाते तो दूसरा मैं आपको सूखा आटा लगा के बेल के दिखा देती हूँ। जैसे रोटी बनाते हैं ना, सेम आपने वैसे ही बनाना है। इसमें आपने चकला घुमाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आराम से ही बन जाता है। अगर आपका भटूरा चिपके तो आप इसमें बीच में सूखा आटा लगा सकते हैं और बड़ी आराम से जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही इसको बेल सकते हैं। तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को हमने अच्छा गर्म करना है। अच्छा गर्म तेल होगा तभी भटूरे फूलेंगे,
ठंडे तेल में अगर हम भटूरे डाल देंगे तो फिर वो नहीं फूलेंगे। तो अब एक भटूरा हम गर्म तेल में डाल देते हैं और इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए आपने फुलाना है। जहां से आपको लगे कि भटूरा नहीं फूल रहा है वहीं से आपने तेल में प्रेस कर देना है और थोड़ा गर्म तेल भटूरे के ऊपर भी डाल देना और फिर देखिए इस तरह से आपका भटूरा फूल के तैयार हो जाएगा। इसको पलट देना, थोड़ी देर दूसरी साइड से भी सेक लेना। भटूरे को फूलने में पकने में 15-20 सेकंड ही लगती हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। और ये देखिए भटूरा इस तरह से बनके तैयार हो जाता है। सेम प्रोसेस से हम सारे भटूरे बनाएंगे और एक भी भटूरा ऐसा नहीं बनेगा जो फूला ना हो। अगर आप भी इस तरह से भटूरे बनाते हैं तो आपके भटूरे भी बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा देना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।